समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, सही या गलत, हमें इसका ही अंदाज़ा इस सीरीज़ में देखने को मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ओमकार और आप देख रहे हैं ओमकार मॉनिटर का यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, राइट या रॉन्ग, ये जो उल्लू की जो सीरीज़ है वो पिछले साल ही आई थी, और पिछले साल उल्लू लगता है बहुत गरीब था, इसलिए उसने HD क्वालिटी में कुछ भी नहीं शो किया, लेकिन अब शायद हर वक्त शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, उस टाइम की राइट और रॉन्ग की सीरीज़ है, तो चलिए इसका मैं फटाफट से थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, दो लड़कियाँ होती है, मतलब एक लड़की होती है और उसकी दोस्त होती है। वो काफ़ी दिनों के बाद, मतलब लगभग 3 से 4 साल बाद अपने दोस्त के घर आती है उसकी मदद करने के लिए, मतलब उससे मिलने के लिए, लेकिन असल में वजह कुछ और ही होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ की जो लड़की है उसकी माँ की भी डेथ हो चुकी थी, और वो भी काफ़ी अकेली थी घर में, और उससे उसका बाप भी था, मतलब उसका बूढ़ा बाप भी उसे उसके साथ घर में था। अब लगता है उल्लू आजकल बूढ़े लोगों पर काफ़ी फोकस कर रहा है, क्योंकि पिछले बार जाने अनजाने में, उसके बाद काफ़ी ऐसे सीरीज है, मतलब अब कॉल सेंटर में भी और इस राइट या रॉन्ग में भी काफ़ी उन्होंने ठरकी बूढ़ों का इंक्लूड, मतलब काफ़ी ठरकी बूढ़ों को उन्होंने इसमें इंक्लूड किया गया है इस सीरीज़ में। सो फ्रेंड्स, यहीं पर ये सीरीज है। दिव्या, माधवी और आत्माराम, इन तीनों के कैरेक्टर पर ऊपर ये सीरीज है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आत्माराम है, जो मतलब जो दिव्या का जो बाप है, वो अक्सल में माधवी को हमेशा से ताकता रहता है, उसके स्तन को देखना, उसके तरफ हर वक्त देखना, पेपर में मुंह डालकर उसके हर तरफ उसके पास देखना, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें इस सीरीज़ में होती रहती है। और जो आत्माराम है वो माधवी को फोर्स करता है, मतलब दिव्या की फ्रेंड को फोर्स करता है ताकि वो उसके साथ सेक्स कर ले। और असल में जो माधवी है, उसके पति ने भी उसे लगभग 3 साल पहले छोड़ दिया था, मतलब 2 साल पहले छोड़ दिया था, क्योंकि माधवी को बच्चा नहीं हो रहा था इस वजह से, और बिरादरी में भी ये बात पूरी तरीके से फैल चुकी थी। और उसके बाद यहाँ पर जो आत्माराम है, वो भी उसकी भी बीवी ख़त्म हो गई थी, उस बीवी मर गई थी, सो वो यहाँ पर सेक्स कर लेते हैं। और बाद में ये दोनों ये सोचते कि हमने जो किया वो सही किया या गलत किया, तो यहाँ पर जो आत्माराम कहता है कि हाँ, हमने सही किया या गलत किया, इसके वजह से ही तो मेरी ज़िंदगी चल रही है, मतलब मैं दूसरी शादी ना करूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग सही कहेंगे या गलत कहेंगे, ऐसे ही पुराने काफ़ी विचारों पर इस सीरीज़ को निकाला गया है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो उल्लू ऐप पर आप देख सकते हैं। और अगर आपको इस सीरीज़ का कोई भी पार्ट हमें पसंद आता है तो हमें प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये सीरीज़ पसंद आने वाली है, लेकिन अब डिसाइड तो आपके हाथ में है ना, आप ऑडियंस से सीरीज़ को लाइक करना या फिर डिसलाइक करना या आपके मन में। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो बाकी को भी पता चले, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।